All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. This channel doesn't promote or encourage any illegal activities. This channel provide updates and solving issue in box. We or our channel STB Tech not responsible for misuse of any content published on our channel. नजरिया अपना अपना। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों के आपस में झगड़ा करने की आवाज आने लगी। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। राहुल सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। अमित, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। और ऐसा कहकर वे फिर तू तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने पास आने का इशारा कहा, तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। अगले ही पल दोनों परस्पर व्यंगात्मक भाव लिए मास्टर जी की टेबल पर पहुँच गए। मास्टर जी ने दोनों छात्रों को अपनी टेबल के दाएं बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, फिंगर ऑन द लिप्स। सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठे रहे। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों की कौतुक नजरें मास्टर जी की तरफ। जब तक ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास हैं, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा, मास्टर जी ने एक बार पुनः अपना आदेश दोहराया। अब मास्टर जी ने कवर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी ने अपनी दाईं ओर बैठे राहुल से पूछा, बताओ ये गेंद किस रंग की है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी यह सफेद रंग की है। मास्टर जी ने वही प्रश्न बाएं ओर के अमित से भी पूछा, तुम बताओ ये गेंद किस रंग की है। अमित पूर्ण विश्वास के साथ बोला, जी काली है। दोनों छात्र अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। अब फिर दोनों ने गेंद के रंग को लेकर बहस शुरू कर दी। मास्टर जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। कक्षा के शेष छात्र कौतुक दृष्टि से तमाशा देख रहे थे। अमित अब दाईं ओर जबकि राहुल बाईं ओर आ गया था। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का रंग काला तो अमित ने सफेद बताया। मास्टर जी ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा, बच्चों ये गेंद दो रंगों से बनी है और जिस तरह यह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी जगह से देखने पर सफेद दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं उसी तरह दूसरा भी उसे देखे। इसलिए यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो तो यह ना सोचे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीजों को उसके नजरिए से देखने और उसे अपना नजरिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। सभी छात्रों ने करतल ध्वनि से मास्टर जी की बात का समर्थन किया। शिक्षा, आइए उक्त कथा से सीख लेते हुए हम भी एक दूसरे के नजरिए को समझकर अपने बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आप भी अपने जानकर दोस्त और परिवार के सदस्यों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सभी को कहानी से प्रेरणा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। धन्यवाद। संकलन करता देव चंदेल। हमारा आदर्श सत्यता सरलता स्पष्टता।